T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में इंडिया की टीम को इंग्लैंड से टकराना है और इंग्लैंड की टीम को हराकर इंडिया को फाइनल में जाना है। ऑस्ट्रेलिया को हराते ही बढ़ा जोश बटलर का सिर दर्द, सताने लगा सेमीफाइनल में टीम इंडिया से इंग्लैंड को हार का डर। फाइनल में जाने के लिए नई खतरनाक प्लेइंग 11 आया, जिसे देख इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर घबराया। कप्तान रोहित ने कर दिया अपने प्लेइंग 11 का ऐलान, जो कि आज के दिन सेमीफाइनल में तोड़ेंगे इंग्लैंड के सारे मान। बदला लेने के लिए भारतीय शेरों की तैयारी, फिर दिखेगी कोहली रोहित की जबरदस्त पारी। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराते ही सेमीफाइनल में पहुंच गई है और अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, जिसके लिए हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और अपने प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारी भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल मुकाबले को भूली नहीं है, जिसमें इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने खतरनाक बल्लेबाजी करके भारतीय टीम को बुरी तरह से हराकर फाइनल में पहुंची थी, जिसमें जोश बटलर ने खतरनाक 80 रनों की नाबाद पारी खेली थी, तो वहीं एलेक्स हेल्स ने 86 रनों की पारी खेली थी, जिसे हमारी भारतीय टीम अभी तक नहीं भूली है और सुस समय बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने न्यू खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा सेमीफाइनल मुकाबले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर निकालते हुए अपने नए खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर जोश बटलर अभी से टेंशन में आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से हमारी भारतीय टीम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए जोश बटलर भी अपनी पूरी तैयारी कर लिए हैं। तो आखिर दोस्तों, हमारे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्लेइंग 11 में किन किन खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है, तो क्या रहने वाली है सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हमारे भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आप सभी को पूरी खबर। और साथ में यह भी बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का यह मुकाबला कब और किस मैदान में खेला जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हमारी भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता देता हूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का यह मुकाबला 27 जून को यानी कि आज ही के दिन गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात्रि 8 बजे से खेला जाएगा। अब दोस्तों, हम आपको भारतीय खतरनाक प्लेइंग 11 के बारे में बताएं, तो सबसे पहले ओपनिंग बैटल की बात करें, तो ओपनिंग बैटल में खतरनाक शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ किंग कोहली मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों, किंग कोहली का बल्ला अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है, फिर भी दूसरी तरफ कप्तान रोहित अपने खतरनाक फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 गेंदों में खतरनाक 92 रनों की पारी खेली थी, उससे यह साबित होता है कि हमारे भारतीय कप्तान अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। इसलिए खतरनाक शुरुआत करने के लिए किंग कोहली के साथ रोहित शर्मा ही मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो मिडिल ऑर्डर में आएंगे ऋषभ पंत, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ मचाएंगे आतंक। जैसा कि गाइज हम लोग देख रहे हैं कि ऋषभ पंत मैदान में आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने लगते हैं, इसलिए नंबर 3 पर ऋषभ पंत ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 4 पर खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि मैदान में आते ही चारों तरफ गेंद को भेजने लगते हैं और ताबक तोड़ खतरनाक पारी खेलने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 5 की बात करें, तो नंबर 5 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी अपने फॉर्म में लौट आए हैं और मैदान में आते ही खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं, इसलिए नंबर 5 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 6 की बात करें, तो नंबर 6 पर खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जैसा कि गाइज हम लोग हर मैच में देख रहे हैं कि हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं गेंदबाजी करते हुए विकेट पे विकेट चटका रहे हैं, इसलिए नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या ही खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। फिर नंबर 8 की बात करें, तो नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि हर मैच में खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से योगदान दे रहे हैं और विकेट पे विकेट चटका रहे हैं, इसलिए नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नंबर 9 पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे।
आएंगे। फिर नंबर 10 और नंबर 11 पर भारतीय खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के लिए फाइनल खतरनाक प्लेइंग 11।